अगर पहले ही हफ्ते नो एलिमिनेशन वीक हुआ तो मुनावर फारूकी बिग बॉस को उन्हीं की भाषा में सबक सिखाएंगे, यानी कि उनको चिढ़ाएंगे। इस सीजन में देखिए हम सुन रहे हैं बिग बॉस के मुंह से, अगर कोई यू नो कॉपी कर रहा है किसी को, सेम चीज़ें कर रहा है, तो बिग बॉस कह रहे हैं कि हमको घिसी पिटी चीज़ें नहीं चाहिए। तो मुनावर फारूकी का भी सेम जवाब होगा अगर इस बार कोई भी एलिमिनेशन नहीं हुआ, क्योंकि कई सारे सीजन्स में हमने ये देख रखा है कि पहले हफ्ते कोई भी एलिमिनेशन नहीं होता आएगा, पहले हफ्ते कोई एलिमिनेशन नहीं करते। तो अभिषेक कुमार यहाँ पर खड़े होते हैं और यहाँ पर अंकिता लोखंडे भी होती है, तो अभिषेक कुमार का ऐसा कहना होता है कि हो सकता है कि इस हफ्ते मतलब कोई एलिमिनेशन ना हो, पहला हफ्ता। तो उसके बाद मुनावर फारूकी कहते हैं कि अगर बिग बॉस ने बोला इस हफ्ते कोई नहीं जा रहा है तो बिग बॉस को बोलूंगा आप तो बोल रहे थे, आप बदल गए, लेकिन इस बार फिर से वही घिसा पिटा नो एलिमिनेशन। देखा है ना कि मतलब यहाँ पर मुनावर का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, वो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बिग बॉस अगर ऐसा करेंगे तो मुनावर तो उनको रोस्ट भी कर देंगे, साथ ही यहाँ पर उनको ना चिढ़ाएंगे कि मतलब फिर आप कैसे बोल रहे हो कंटेस्टेंट को, अगर कंटेस्टेंट अपनी चीज़ें दोहरा रहे हैं और आपने एलिमिनेशन नहीं किया तो जाहिर सी बात है आप भी अपना वही घिसा पिटा नो एलिमिनेशन वाली चीज़ें दोहराओगे। यहाँ पर अभिषेक कुमार जो है ना वो कहते हैं कि अरे तू ना बिग बॉस को आइडिया दे रहा है, अगर वो मतलब करने वाले होंगे तो आइडिया उनको मत दे। तो यहाँ पर मुनावर फारूकी कहते हैं कि मतलब मैं तो चाहता हूँ कि कोई एलिमिनेशन ना हो, मेरे को मौका मिले बिग बॉस को ये बोलने का कि आप क्या कर रहे हो, आप भी तो वही घिसा पिटा नो एलिमिनेशन कर रहे हो। फिलहाल क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताएं, कैसे लगे ये कंटेस्टेंट। थैंक यू।